गोवंश जेके नाम पर राजनीति घलाए खूब चमकाई गई बे, पर जमीनी स्तर में स्थिति में गोवंश की स्थिति में कतना सुधार है या केहू से छुपा नहीं है। यह हमेशा कही रहना है कि काहे से कि सीधी माँ गोवंश का बचावे के चक्कर में एक बड़ा हादसा होगा। विंध्य क्षेत्र के पहले बघेली न्यूज चैनल वहां पूजा अपना पंचे से बजाने का प्रणाम करते और शुरू करते बड़ी खबर से। सीधी माँ दुर्घटना समूहे आई, जहां दुर्घटना में सड़क दुर्घटना में गाय का बचावे के चक्कर में बड़ा हादसा होगा। कोतवाली थाना के अंतर्गत पुलिस लाइन सीधी में करीब 6 बजे बाइक सवार गाय का बचावे के चक्कर में दुर्घटना के शिकार हुई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दीपेंद्र पिता गैवीनाथ शुक्ला जो उनके 44 साल के रहे, अपनी 70 साल के बुआ पुष्पा तिवारी का लेके अपने रिश्तेदारी में जात रहे और यही समय मुख्य सड़क में गाय बीचों बीच सड़क में बैठी रही, जिसका बचाव के चक्कर में यह हादसा भा। प्रत्यक्षदर्शी बताएं कि गाय का दिख के दाई तरफ बाइक काटत समय अचानक बस साइड लेके फिराक में मोटरसाइकिल चालक का जबरदस्त ठोकर मार दी, जिसके चालक दूर जाए के गिरगा। वहीं 70 वर्षीय महिला के ऊपर बस के अगला टायर चढ़ जाए के कारण घटनास्थल में महिला दम तोड़ दी। चालक दीपेंद्र घटनास्थल में बुरी तरह से घायल हो गए। हादसा होने के बाद घायल दीपेंद्र का जो उनके सड़क में बहुत देर तक पड़े रहे, उनके मौका में पहुंची पत्नी दीपेंद्र का उठाए के अस्पताल के पहुंचावे के प्रयास करें तो उनके पैर में बाइक गिर गए, जेके उनका जेके कारण उनके पैर में गंभीर चोट आई। एक जानकारी लगता है पुलिसकर्मी और डाल 100 की टीम मौके पर पहुंचे, घायलन का उठाए के जिला अस्पताल ले जाए के पहुँचाई नहीं, जहाँ सबके इलाज की इंजाला हबे। इनके बाद प्राथमिक उपचार दे के बाद इनका गांधी मेडिकल कॉलेज का रेफर कई दिन का हवा। अपने बता दी कि गौवंश जो है इस समय राजनीति के बड़ा मुद्दा बना है। बेशक गाय पूजनी है, एक व्यवस्था खातिर सरकार के द्वारा गौशाला के निर्माण करवावा का हवा, पर अक्सर सड़कन में गौवंश या तो घूमत या फिर बैठी नजर आ जाती है। काहे से कि गौशाला निर्माण में खामी है, एक नाम पर कहा न कहा भ्रष्टाचार भा है। एक अंदाजा यही बात से लगावा जा सकत है कि सड़कन में आए दिन गौवंश बैठे रहा था और इनका बचावे के चक्कर में आए दिन हमें के हादसा अपना सुनत हो, जोने वहाँ लोगन के जान खलाए चले जाती। आपन और अपने परिवार की रखी ख्याल दे, इजाजत पड़ा।